वोट की गिनती में वो आगे हो गए तो सारे तर्क आपके सही हो जाएंगे। मैं कहूंगा दिन तो आप कह देंगे रात, ऐसा नहीं है। तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी गिनती आगे बढ़ गई तो आपकी हर बात तर्क संगत हो जाएगी, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी डिफेंड करने लगेंगे। ये मैं इस तर्क के पक्ष में भैया जी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ ममता दीदी जीती हैं, सरकार बनी है, एक मजबूत विपक्ष भी मिला है, दो खबर है। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं हेडलाइन आपका नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ खबर ये है ममता जी फिर से जीते, एक बड़ा विपक्ष, मजबूत विपक्ष ममता जी को मिला, वो है भारतीय जनता पार्टी, ये खबर है। पिछली बार जो विपक्ष के नेता थे उनके पास 40 MLA थे, इस बार 80 से ऊपर वाले जो विपक्ष का नेता होगा उसके MLA ऐसे नहीं होंगे कि उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। पिछली बार तो विपक्ष था ही नहीं, अब हम सत्ता में नहीं आ पाए तो जरूर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ममता जी को यही मेरा मेरे तरफ से अनुरोध है कि जब शाहनवाज जी एक बात और कही तो गई, बड़ा दिल शाहनवाज जी एक बात तो और कही गई जी, शाहनवाज जी एक बात और कही गई कि जब 2019 में आप 18 लोकसभा सीटों में आ गए और आप ठीक दो साल बाद 21 में जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप अगर उनको ट्रांसलेट करें तो 119 और 121 की सीटें बनती हैं, तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाए तो पॉपुलरिटी कुछ कम हो गई और आप जमीनी हकीकत को आकलन नहीं कर पाए। भैया जी ध्यान से सुनिएगा, 2019 में दादा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट था, तो मोदी जी के नाम पर वोट था उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 2019 में दादा को प्रधानमंत्री, मोदी दादा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट था, इस बार शायद दीदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट है, ये अंतर था। विधानसभा का तुलना विधानसभा से कीजिए, लोकसभा का तुलना लोकसभा से कीजिए। कई बार क्या होता है बिहार में, अगर आप करेंगे भैया जी, बिहार में लोकसभा में हम 40 में 39 जीते, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया कुछ महीने बाद, एक साल बाद, तो हमारा वो परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो अगर लोकसभा में माहौल अलग होता है, क्योंकि लोकसभा में लोग कह रहे हैं बीजेपी, कई लोगों से हमने पूछा किसको वोट देने जा रहे हो, तो कह रहे बीजेपी को नहीं बोल रहे थे, बोले मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को वोट देने जा रहे हैं। तो एक बार हमारे नेता का टीएमसी के प्रवक्ता मौजूद है सुपर्णो, इस नाते जी, मैं, लोगों ने जी, वोट किया था, लेकिन विधानसभा में पिछले विधानसभा से हमारी तुलना कीजिए, हमारी तुलना लोकसभा से करेंगे तो फिर बिहार में भी करना पड़ेगा। मैं सहमत है कि नहीं भैया जी? मैं बात वही अभी सुपर्णो से जी, मैं वही बात हूँ, मोहित्रा साहब मौजूद है, मोहित्रा साहब जवाब देंगे मुझे। सुपर्णो मोहित्रा साहब टीएमसी के प्रवक्ता, उन्हीं से सवाल है सीधे कि क्योंकि शाहनवाज जी ने तो कह दिया कि हमारी जो लोकप्रियता है वो कम नहीं हुई, हमारी विधानसभा से तुलना करिए, 2016 से तुलना करिए, हम 83, 80 या 82 के आसपास बैठेंगे, हमारी लोकसभा से तुलना क्यों करेंगे, वो तो प्रधानमंत्री, चुनाव ये किसका था, चुनाव ये भी लोगों ने कहा जब आप वहां पे मौजूद थे, चुनाव ये भी हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई इतनी रैलियां प्रधानमंत्री की, इतने तो कैबिनेट मौजूद है और अकेले ममता है, तो सवाल ये भी हुआ, तो कौन सा फैक्टर जो है लोगों ने पकड़ा। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मैं उनकी एनालिसिस इस पर चाहता हूं। सुपर्णदा प्रतीक जी, मैं शहनवाज खान साहब से बिल्कुल सहमत हूं जब वो कहते हैं कि 2021 का तुलना 2019 के साथ नहीं 2016 के साथ करना चाहिए। यही बात तो हम लोग कहते कहते थक चुके थे, लेकिन बार बार वो लोग जब यहाँ पे वो लोग प्रचार प्रसारण में व्यस्त थे, वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए 2019 में कितना अच्छा उनका प्रदर्शन रह चुका है। तो आज शहनवाज जी जो कह रहे हैं यही बात बिल्कुल सही बात है कि विधानसभा चुनाव अलग है और लोकसभा चुनाव अलग है, तो मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ शहनवाज जी जैसे अच्छे बात करते हैं उनके साथ उनके बाकी तो जो मैं आता हूं आपका, बिल्कुल जी दादा मैं आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल दादा मैं आता हूँ, आप बिल्कुल मैं आप ही से शुरू करूंगा, बिल्कुल आप ही से शुरू करूंगा। एक बस छोटे से ब्रेक का है, बस छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। 212 टीएमसी, 77 बीजेपी कांग्रेस प्लस 2, ये आंकड़ा अभी पश्चिम बंगाल का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। चुनाव परिणाम के दिन पश्चिम बंगाल के सीटों के रुझान आए,
न्यूज 18 इंडिया फिर रहा सबसे आगे।